हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो फाइनली SSC CGL का आदेश, यू कह लो कि 50% पेपर हो चुका है, अप्रॉक्स 50% बचा हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बार बार मेरे पास आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से वो शेयर करूँ, और बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जिनको भी एग्ज़ाम अभी देना है वो ज़रूर देखें, और जिन्होंने दे दिया है वो भी देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान आगे से एग्ज़ाम में रखना है। तो मेरे पास ना दो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मुझे एक्चुअली में परेशान कर रहा है। पहला ये कि बहुत बच्चे ना 70-65 अटेम्प्ट करके आए हैं, ये एक्चुअली में बहुत कम अटेम्प्ट है। देखो, 70 अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है, 70-72 अटेम्प्ट करने का, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ 90% से ज़्यादा आपकी क्या ही एक्यूरेसी रहेगी। अगर आपकी 90% ज़्यादा है तो फिर भी अगर आप 75 अटेम्प्ट करते हो तो शायद आपके चांसेस हो, लेकिन कुछ बच्चे 60 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 56 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो जिन भी बच्चों का पेपर रह रहा है, आपने काफ़ी सारे पेपर्स दे रखे हैं, आपको पता है कि कितने अटेम्प्ट मिनिमम होना चाहिए। कम से कम 75-80 तो करके ही आओ, 70-72 में कोई कुछ नहीं होना, ठीक है। टारगेट करो 80 के करीब। अगर आपने 75 के करीब कर लिया है, मान के चलो 75 आपको आते हैं, तो आप 5-6 क्वेश्चंस जो अप्रॉक्स भी लग रहे हैं ना, उसको टिक कर दो, बिकॉज कि 60-65 करने का कोई फायदा नहीं है, प्री में आप वैसे ही क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अटेम्प्ट बहुत लोगों को बहुत कम है, बट ये भी नहीं कि आंख बंद करके लगाए जा रहे हैं। मान लो आपने 70 अच्छा कर दिया और फिर आंख बंद करके लगा रहे हो, अगर आपने 70% एक्यूरेसी के साथ किया, आप कन्फर्म हो तो आप एग्जाम से उठ जाओ, आपका प्री तो निकल जाएगा, क्योंकि 130-135 तो जाएगा ही कटाओ, ठीक है, लेकिन 50-55-60 पे तो मत जाओ। तो पहला तो ये है। दूसरा ना, बहुत बच्चे ना अपना पेपर खराब करके आ रहे हैं। कैसे? कुछ एक लोगों को मैथ्स डिफिकल्ट लग रही है, कुछ एक को जीके डिफिकल्ट लग रही है, किसी का रीजनिंग में क्वेश्चन फंस रहा है। देखो, जो आप मॉक देते हो और जो आप एग्जाम में बैठते हो ना, दोनों में फर्क रहता है, ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि जो आप मॉक दे रहे हो वही आपको सेम एग्जाम में मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या रहता है? पैनिक। आप एग्जाम में ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, मॉक में नहीं होते, बिकॉज कि मॉक में आपको पता है कि आप सीख रहे हो, आप एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन एग्जाम जो है ना एक्चुअली मेन फील्ड है, ठीक है। इंडिया को देखा करो, इंडिया अगर आप क्रिकेट मैच को फॉलो करते हो तो ICC के टूर्नामेंट्स में कैसे डाउन हो जाती है और बाकी जगह कैसे हीरो की तरह खेलती है। तो इन चीज़ों को ना आपको ध्यान रखना है कि हर आदमी का पेपर, हर बच्चे का 99% बच्चों का पेपर, जो स्टार्टिंग का जो 5 मिनट है ना, वो डिसाइड करता है कि आने वाला पेपर आपका कैसा है। अगर आपने से किसी ने एग्जाम दे दिया है, अगर आप मुझसे सहमत हो, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में बताओ, ताकि बाकी बच्चे भी इसको ध्यान में रखें। पहले 5 मिनट ना अपने आपको काम रखना है। एक ही क्वेश्चन होता है 5 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेस ना धीरे 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 पकड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे कि पहले से ही क्वेश्चन लेवल पे पहुंच जाए, भैया तभी आप गलतियां करते हो। तो अपने आप को ना एग्जाम में थोड़ा सा काम रखो। अगर कुछ एक क्वेश्चन छूट रहे हैं तो छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5-10 मिनट को अगर आपने संभाल लिया ना, आप मान के चलो पेपर आपके हाथ में है। सारा खेल वो 5-10 मिनट का होता है, क्योंकि जब आप पेपर स्टार्ट करते हो ना, क्वेश्चन ऐसा दिख जाता है जो ऐसा लगता है कि यार इसको कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, ये तो बहुत टफ आ गया, ठीक है। वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पहले 5 मिनट में नहीं आता, स्किप करो, नहीं आता स्किप करो। मैं आपको बताता हूँ, 2017 का जो मेंस था ना, उसमें 17 फरवरी में बैठा था मैं, और पेपर बहुत टफ आया था मैं, लेकिन काम होके गया था। मैं सोचा स्किप करता जाऊंगा, और मानोगे मैंने 17-18 क्वेश्चन स्किप कर दिए। पहले 10 मिनट में मैंने 17-18 क्वेश्चन स्किप कर दिए, शायद 1 या 2 क्वेश्चन किया होगा शायद, या वो भी नहीं। तो भैया अगर मैंने पहले, और मेरा फाइनल स्कोर 155-156 थे उसमें से, आउट ऑफ 200, और उस पेपर में यू कैन से कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट, ओके, हाईएस्ट में से रहा होगा, क्योंकि बहुत टफ पेपर था। कैसे किया था मैंने? अपने आप को काम रखे, और ध्यान रखना 5-10 मिनट, सिर्फ 5-10 मिनट अगर अपने आपको, मैं तो कहूँगा प्री में 5 मिनट अपने आपको काम रखो, पेपर अच्छा जाएगा। तो जिनका भी पेपर रह रहा है वो उस चीज़ का ध्यान रखे, और प्लीज़ थोड़ा एनालिसिस से दूर रहो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस की वीडियो नहीं देखता हूँ। एक दो देखा था तो बच्चे उस पे नीचे कमेंट में पढ़ता हूँ, एक्चुअली मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, मैं दिखता रहता हूँ कि लोग बच्चे कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। तो मैं देख रहा हूँ कि वो पैनिक हो जाते हैं कि सर मैंने इतने ही अटेम्प्ट किए, क्योंकि वहाँ पे ना दो टाइप के बच्चे मिलेंगे, जो भी माइक पे आपको मिलेंगे ना, वहाँ पे दो टाइप के बच्चे मिलेंगे। एक बच्चा होता है जो बोलेगा कि मेरा पेपर बहुत खराब हो गया, एक बोलेगा जो बहुत ज़्यादा, अरे पेपर तो ईजी आया था, ठीक है, मैंने 95 कर दिए, जीके इतने कर दिए, भैया हवा हवाई बातें हैं वो सारी। तो इसलिए एक तो एनालिसिस पे थोड़ा कम ध्यान दो, इसलिए मैंने पहले ही दिन बता दिया पेपर वही आ रहा है, छोड़ो उस चीज़ को। और जिनका प्री हो गया है मेंस में लग जाओ, कोई पेड बैच की जरूरत नहीं है। मैं आने वाले दिनों में जैसे ही मेंस खत्म हो, प्री हो खत्म होता है, मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे मेंस की तैयारी करनी है, आप उसको फॉलो करना, साथ में मिलकर करेंगे। मैथ्स मैं पूरा करवा दूंगा आपको, मेरा गणित का प्राइम टाइम है, उसे देखते रहो। बहुत बच्चे पूछ रहे थे वीडियो कब आएगी गणित का प्राइम टाइम, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा भाई,
पहले मैं दिल्ली था, उसके बाद मैं आया तो मेरे पाँव में काफ़ी पेन हो रहा है। एक्चुअली दिल्ली में रेस्ट नहीं हो पाता ना, आप इतने दिन बाद घर जाते हो, दोस्तों वगैरह से मिलते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा पेन है, इसीलिए वीडियो थोड़ा रुका हुआ है। बट मंडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा, हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे। जिनका भी प्री हो चुका है वो वीडियो देख लें, और जिनका प्री नहीं हुआ है अभी मत देखो, अभी बस जो कर रहे हो उसे करते रहो, और अपने आपको पेपर थोड़ा सा काम करके दो, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। और ये ना CHSL वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको ना ये चीज़ें ध्यान रखनी है। CGL वाली गलती CHSL में रिपीट मत करना, और अभी जो आपके पास 8-10 दिन रह गए हैं CHSL के लिए, ठीक है, मैं इसमें बता देता हूँ। बहुत बच्चे पूछते हैं ना CHSL में क्या करना है, तो भैया अभी अपने आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स करो, उसकी प्रैक्टिस करो, करंट अफेयर करो और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे करंट अफेयर 2021 तक का ही पूछा जा रहा है, भाई देखो इतने पीछे तो हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि पूरे ऑल टाइम का करंट अफेयर कौन करता है, लेकिन जो आप कर पाते हो वो करो, ठीक है। ऐसा लगेगा आपको एग्जाम देने के बाद कि बेनिफिट नहीं मिला है, लेकिन मिलता है, ओके मिलता है, ओके। तो इस सेशन में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मैथ्स वगैरह के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये चैनल आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड करेगा, एक एक चीज़ प्रोवाइड करेगा आने वाले दिनों में, और कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं, और मैथ्स के लिए तो बिल्कुल भी मैच मत लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई।